Hey guys, welcome back to my channel Glamorous Pallavi और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एम्प्टी हाउस टूर। मैं यहाँ अभी शिफ्ट हो गई हूँ जमशेदपुर में और ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है। शिफ्टिंग मुझे रातों रात करनी पड़ी एंड इसके पीछे बहुत ही बड़ी एक स्टोरी है जो कि मैं अभी नहीं बता सकती आप लोगों को, बट हाँ अगर अच्छा सक्सेस मिला तो मैं वो स्टोरी भी बताऊँगी, अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी। सो या आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा इसका प्राइस क्या है और बाकी आप देखो कि कैसा लग रहा है ये पूरा घर। सो या तो ये रहा एंट्रेंस, यहाँ से हम एंटर करेंगे। ये है सेकंड फ्लोर पे एंड डोर्स वगैरह पेंट नहीं हुए बिकॉज ये न्यूली मेड है एंड ये इंडिपेंडेंट हाउस है ऑनर का। एंड या ये छोटा सा लिविंग रूम था एंड ये रहा बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम जो मेरी और मेरी दीदी की होगी। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक दिस एंड इसके साथ अटैच एक वॉशरूम है एंड वहाँ पे बालकनी आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टोरेज के लिए शेल्फ्स बने हुए हैं विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज ज़्यादा चीज़ें हम लेकर आने वाले नहीं हैं यहाँ पे। सो या दिस इज़ अ विंडो एंड ठीक है, एसी वगैरह लगाने के लिए सफिशिएंट है, ज़्यादा बड़ी बड़ी विंडोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड ये टॉयलेट है एंड या सो दैट इज़ द बालकनी। बालकनी से बहुत अच्छी लाइट आती है, बालकनी से ही नहीं सारे विंडोज़ से भी लाइट आती है। सुबह भर तो लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी विच इज़ अ गुड थिंग, अगेन वी आर गोइंग टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। एंड यहाँ से आप सनसेट देख सकते हो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। बालकनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट ठीक है एंड विंडोज़ लगे हुए वहाँ पे, ग्लास विंडोज़ सेफ्टी के लिए। एंड या ये ऐसा है एंड देन अगेन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूम। ये लॉबी है यहाँ पे, फिर ये हम किचन आ गए। किचन में एक ड्रॉबैक था, शेल्फ बहुत ऊंची है मम्मी के लिए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ही ऊंची है, उसके बाद स्टोव रख के और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको। मम्मी को ज़्यादा टाइम किचन पे बिताना होता है सो क्या कर सकते अभी, इसी से मैनेज करना पड़ेगा। बाकी प्लग वगैरह के लिए सारी सेटिंग सही दी हुई है। ये सिंक दिया हुआ है लॉबी में एंड यहाँ पे वॉशिंग मशीन का कनेक्शन एंड ड्रेन के लिए पाइपिंग वगैरह सब दी हुई है। वहाँ पे बोर्ड है एंड ये टोटल एक बोल सकते हो वॉशिंग एरिया एंड सारे में टाइल्स की हुई है ताकि दीवार को डैमेज ना हो। अगेन दिस इज़ अनदर बेडरूम, दिस इज़ मास्टर बेडरूम आप बोल सकते हो, बड़ी है साइज़ में एंड यहाँ पे भी शेल्फ्स दिए हुए हैं। एंड ये रहा विंडो, यहाँ से तो हवा आती है बहुत मस्त ठंड ठंड। एंड या बाकी आप यहाँ से देख सकते हो बालकनी है एंड बालकनी ये वाली बड़ी है, मेरे वाले बालकनी से ये वाली बालकनी बड़ी है। यहाँ पे आप पानी ड्रेन भी कर सकते हो, उसके लिए भी दिया गया है एंड यहाँ से भी आप सनसेट का व्यू ले सकते हो। विंटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहेगा यहाँ पे, बट लेट्स सी कितने टाइम तक हम यहाँ रहते हैं, डिपेंड्स लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन हो रही हैं। ये रहा वॉशरूम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। सो या आपको पूरा हाउस टूर कैसा लगा आप कमेंट में बताओ और अगर आप चाहते हो कि मैं एक हाउस डेकोर वीडियो भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, अगर आप चाहोगे तो ही मैं वीडियो बनाऊँगी। एंड इसका प्राइस था कुछ 7000 प्राइस है और इलेक्ट्रिक बिल तो आपको पता है एक्सक्लूडेड होता है। बाकी छोटा सा अच्छा प्यारा सा घर मिल गया हम लोग को और रातों रात इतना अच्छा घर मिलना भी पॉसिबल नहीं था। सो या आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल माय अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।